जे एंड के गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जे एंड के। तो मैं एक पिछड़े हुए इलाके से तलक रखता हूँ, जैसा कि करना आपने सुना भी होगा, एक तहसील है और वो बॉर्डर एरिया है पूरा ही। तो वहाँ पे हमें बहुत गुनागुन मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर जब सर्दियाँ होती हैं। तो हमारी एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जो साधना टनल, तो बहुत बार उसके लिए हमने बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह भी किए। बहुत सालों से हम गवर्नमेंट के पास भी गए, बहुत सारे हमने वहाँ पे बड़े बड़े मसले, बहुत बार हमने टनल के लिए गवर्नमेंट को भी जाके कहा, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो इस बार हमने सोचा था शायद कुछ गवर्नर राज आने से या कुछ ऐसा होने से कि हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये जो परसों बजट हुआ, हमने बजट में सोचा था कि इस साल हो सकता है कि साधना टनल जो है उसको प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि बहुत सारी टनल ऐसे भी हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में बनाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और हमारी जो कनेक्टिविटी है वो 24-12 महीने रहती है वादी के साथ। लेकिन हमें बड़ी निराशा हुई जब हमारा बजट वहाँ पे आया तो उसमें हमें वहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं देगी। तो हमारी यही डिमांड थी एलजी साहब से भी, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, कि हमें वहाँ पे टनल्स दिया जाए। यही मुतालबा रहेगा कि हम करना के अवाम, करना के लोग जो हैं, है ना, हम इससे निजात चाहते हैं कि हमें जो साधना टनल दी जाए ताकि जो हादसे होते हैं ये जानी माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी बात हमारी वहाँ पर बंकर गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए थे, लेकिन वहाँ पर बंकर सेंक्शन होने के बाद बंकर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बना दिए, कुछ बनाए 120 बंकर कुछ वहाँ पे दिया था गवर्नमेंट, लेकिन जब बंकर बना के कॉन्ट्रैक्टर ने जो वहाँ पे पैसे अपने लगाए थे उसके बाद आज उनको ताला लगाया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फिर बाद में बताया गया कि हमारे पास तो पेमेंट ही नहीं है। तो अब गवर्नमेंट के पास फिर बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जो कंधा की है वो गई, उन्होंने वहाँ से उनके बड़ी मिन्नतें की, वहाँ से बड़े अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन अब थोड़ा सा जाके वो बोल रहे हैं कि नहीं जी हमें वहाँ पे अब बोल रहे हैं कि हमें बजट सेंक्शन किया है उसके लिए पैसा, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये कम्युनिटी बंकर ऐसे बनाए हैं कि कम्युनिटी बंकर यहाँ पर एक मोहल्ले में एक बना दिया तो वहाँ पर कौन जाएगा मोहल्ले में, क्योंकि वहाँ अक्सर फायरिंग का मसला होता रहता है। तो इसलिए हमारी ये भी डिमांड रहेगी वहाँ पर कम्युनिटी बंकर को छोड़कर अलग से है सिंगल बंकर दिए जाएं, छोटे छोटे जाके दो दो या चार चार घर जो होते हैं वहाँ पे उनको दिया जाए ताकि वो आसानी से उसमें छुप सके।